नमस्ते फ्रेंड्स, वर्षा सिंह होम फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का पसंदीदा स्नैक्स स्माइली। बच्चे तो इसे खाने में एंजॉय करेंगे ही करेंगे, आप इसे बनाने में भी बहुत एंजॉय करोगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज बॉयल आलू, इनको हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने के 2 एडवांटेज हैं। पहला, आलूओं में जो मॉइस्चर होता है उसे ये सोक करेगा। दूसरा, ये हमारी स्माइली को साथ ही साथ क्रिस्पी करेगा। आइए अब हम इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून नमक, नमक टेस्ट के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ काली मिर्च पाउडर, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ओरिगेनो, इन सब को हम मिक्स करेंगे। हमारे आलू के मिक्सचर ने एक डो की शेप ले ली है। इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए हमने लिया है रोटी मैट, आप चाहो तो चॉपिंग बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेते हैं। इसे हम ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे। रोटी हमारी बेल चुकी है, आइए इसमें से हम स्माइली निकाल लेते हैं। स्माइली निकालने के लिए मैंने लिया है कुकीज कटर। अगर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो आप इस टाइप का कोई भी ग्लास या कटोरी का यूज कर सकते हो। स्माइली के रिंग्स कटकर तैयार हो गए हैं, आइए इन्हें स्माइली की शेप दे देते हैं। स्माइली की आईज बनाने के लिए हमने ली है एक स्ट्रॉ, आइए इनकी आईज बना लेते हैं। इसकी स्माइल बनाने के लिए मैंने ली है स्पून, इसकी हम स्माइल बना देते हैं। देखिए कितनी अच्छी स्माइली बनी है। इसी प्रकार हम अपनी सारी स्माइली बनाकर तैयार करेंगे। हमारी सारी स्माइली कट होकर रेडी हो गई है, देखिए कितने अच्छे से स्माइल कर रही है। आइए इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम स्माइली डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ी थोड़ी स्माइली डालकर स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्माइलीज पे हल्का हल्का कलर आने लगा है, इन्हें हम उलट पलट कर देते हैं जिससे ये हर तरफ से क्रिस्पी हो जाएं। हमारी स्माइली पे बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, ये क्रिस्पी भी हो गई है। इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम बाकी की स्माइली फ्राई करेंगे। हमारी सारी स्माइली फ्राई होकर तैयार हो गई हैं, आइए इन्हें सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं। हमारी स्माइली बनकर सर्व करने के लिए तैयार है, इन्हें हम टमेटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप इन्हें बच्चों के लिए घर पर बड़े आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि मेरी नई रेसिपी का वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।